तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 सुपर हीरोज ऑफ ऑल टाइम। और वीडियो देखने और मुझे गाली देने से पहले सुन लो कि ये मेरी टॉप 10 लिस्ट है, तो अगर तुम लोगों की भी कोई ऐसी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वैसे तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर शुरू करते हैं फिर। तो मेरी लिस्ट में जो नंबर 10 पे आता है वो है द हल्क हरा भालू। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी पावर्स हैं, इसे 1962 में बनाया गया था स्टैन ली की तरफ से मार्वल कॉमिक्स के लिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पावरफुल सुपर हीरो है। इसका असल नाम ब्रूस बैनर है। इसकी जो यूनिक पावर जो मुझे लगती है वो है कि ये जितना भी गुस्से में आता है वो उतना ही पावरफुल होता जाता है। और कॉमिक्स में तो इसने एक हाथ पार कर दी थी कि ये इंडेस्ट्रिक्टेबल बन गया था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, जिसमें इसकी कॉमिक भी आई थी। कॉमिक का नेम था वर्ल्ड वार हल्क, और इसने मार्वल के ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को मार दिया था उस कॉमिक में, लेकिन आखिर में सेंट्री आता और इसे फेल के चला जाता है। बस जो नंबर 9 पे आता है वो भी ग्रीन कलर का ही है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है। इसे लोग ग्रीन लैंटर्न के नाम से जानते हैं। ये डीसी कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस करेक्टर है। वैसे तो ग्रीन लैंटर्न्स काफ़ी किस्म के हैं, लेकिन जो सबसे फेमस हुआ था वो था हाल जॉर्डन। और ये ग्रीन कलर की रिंग जो होती है ये इसकी विल पावर होती है, मतलब इसकी जो अपनी ताकत होती है दिल में की। उसके अलावा इसकी जो खास बात है वो अपने रिंग से कुछ भी बना सकता है, मतलब कुछ भी, लिटरली एक पंखा बना सकता है, हवाई जहाज बना सकता है, एक गन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बना सकता है अगर वो है तो। जो नंबर 8 पे आता है, उसकी लेटेस्ट मूवी आई है और बहुत बुरी तरह बैठी है। लोग इसे द फास्टेस्ट मैन अलाइव के नाम से जानते हैं, मतलब मेरा मतलब था फ्लैश। डीसी कॉमिक्स का बहुत अच्छा सुपर हीरो। इसकी सबसे यूनिक पावर जो है वो है सुपर स्पीड। वो इतनी स्पीड से भागता है, वो कुछ मिली सेकेंड्स में वो एक पूरा का पूरा मल्टीवर्स ट्रैवल कर देता है। और मार्वल का और डीसी का सबसे बेस्ट टाइम ट्रैवल फ्लैश की एक कॉमिक बुक फास्टेस्ट मैन अलाइव में ही हुआ है। और इसकी वैसे तो काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन ये अपने आप को शेक करके किसी भी जगह से, किसी भी दीवार से निकल सकते हैं अपने पार्टिकल्स को शेक करके। नंबर 7 पे आता है द आयरन मैन। आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क, ये 1963 में मार्वल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टैनली साहिब ने ही ये बनाया था वैसे तो। और इसकी सबसे यूनिक पावर है कि ये भाई अपने टैग से कुछ भी बना सकता है, मतलब कुछ भी। इसने आर्ट रिएक्टर बनाया जो इसके पूरे सूट को पावर देता है और कई सालों तक लगातार देता रहेगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सी टीमों में आया, लेकिन सबसे फेवरेट जो लोगों को पसंद आई टीम वो थी एवेंजर्स, जिसमें ये फाउंडिंग मेंबर था। नंबर 6 पे जो आता है वो है द एक्वामैन। एक्वामैन डीसी कॉमिक्स का बहुत ही फेमस सुपर हीरो है, और इसकी लेटेस्ट मूवी भी आने वाली है, जो इसकी लास्ट मूवी थी। उसने DCEU को फर्स्ट एवर $1 बिलियन क्रॉस करके दिया था। और इसकी जो बेसिक और सबसे यूनिक पावर है वो ओशन में किसी भी जानदार को कंट्रोल कर सकता है, उसकी बात समझ सकता है, उसे अपनी बात मनवा सकता है। नंबर 5 पे जो आते हैं हमारे लीडर साहब कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका वैसे तो बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, लोग सभी इनको जानते हैं, लेकिन जो इनकी सुपर पावर है बेस्ट है वो है इनकी वाइब्रेनियम शील्ड। वो भाई साहब इसको मार के कहीं से भी वापस ला सकते हैं और ये टूट भी नहीं सकती। और इनका जो सुपर हीरो सोल्जर सीरम है वो मुझे भी चाहिए भाई, वो बहुत को बड़े सेक्सी बना देता है। नंबर 4 पे आते हैं हमारे फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बेस्ट पावर है वो है इसका यूथ के साथ कनेक्शन। लोग इसे कनेक्ट फील करते हैं। इसकी सीक्रेट एंट्री देख लें, या इसके सुपर हीरो विलन्स देख लें, या इसका कॉस्ट्यूम देख लें, सभी गॉड लेवल है। नंबर 3 पे आती हैं वंडर वुमन, इसलिए इसकी वाहद फीमेल सुपर हीरोइन। और वंडर वुमन AKA प्रिंसेस डायना डीसी कॉमिक्स की थर्ड मोस्ट फेमस सुपर हीरो हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल कि सुपरमैन को टक्कर दे सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। एक बार तो कॉमिक्स में इसने सुपरमैन का बाजू तोड़ दिया था और उसे हारने में मजबूर कर दिया था। इसके जो वेपन्स हैं वो इसकी खासियत हैं, इसके ब्रेसलेट्स, इसकी शील्ड, इसकी लास्ट ऑफ ग्रोथ, इसकी स्वॉर्ड, ये सारी ज्यूस से आई हैं जो कि टूट नहीं सकती। और इसकी तलवार इतनी ज़्यादा ब्रीक होती है को एक बाल को दो हिस्सों में काट सकती है। नंबर 2 पे आते हैं बैटमैन, और इसे कौन नहीं जानता। बैटमैन डीसी का और ओवरऑल वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुपर हीरो है, और लोगों के साथ बहुत कनेक्ट है, बहुत ब्रूटल डार्क है। और इसके विलन्स इसकी खासियत हैं, जैसा कि जोकर, रिडलर और मिस्टर फ्रीज जैसे साइकोपैथ इसके विलन हैं। और जो नंबर 1 पे आते हैं वो ऑब्वियसली सुपरमैन है, सुपर हीरो को वर्ल्ड को शुरुआत करने वाले। और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा, ये क्रिप्टॉन से है और ये 1938 में आया था एक्शन कॉमिक्स में, जिसे बाद में डीसी का नाम दे दिया गया। बाकी अगर आपकी कोई लिस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।